हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज लॉकडाउन का कौन सा दिन है? 15वां दिन है शायद, है ना? तो आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते में उपमा। और उपमा ये हमारा तो फेवरेट डिश है, महाराष्ट्रीयन डिश है। और उसके लिए मैंने आलू, प्याज, मिर्ची सब पका रही हूँ। और अब ऑयल ऑयल खा के हम ये हो गए। अब मैंने सोचा कि आज उपमा हल्का भी रहता है, हेल्दी भी रहता है और सब और अच्छा भी रहता है। और परी के लिए बनाऊंगी गुलगुले। तो ये देखिए, और अब मैं इसमें सब पकाने के पहले इसके पहले मैंने सूजी को अच्छे से भून ली थी घी में, और तभी अच्छा लगता है। और ये उपमा बहुत अच्छा बना था, तो आज हल्का फुल्का ही। और ये सूजी का उपमा इतना मतलब टेस्टी भी लगता है और शरीर के लिए हेल्दी भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो बाकी मैं सब मिला रही हूँ इसमें। और ये नमक डाल दिया मैंने अभी, और नमक डालने के बाद मैं ये चाट मसाला है थोड़ा सा डाल रही हूँ। और चाट मसाले से क्या इसमें और स्वाद बढ़ गई है। और इसके बाद ये जो भुना था ना मैंने घी में भून के रखा था, तो वो मैं अभी इसमें डाल के अच्छे से, कोई कोई है ना कच्चा भी मतलब जैसे बिना भुने ही डाल देते, तो मैं ऐसे डाल के बना रही हूँ। और ये हमारी सुबह हो रही, ये 9:30 बजे का टाइम है। और गाइज, आज और कल से बिल्कुल कर्फ्यू और लॉकडाउन होने वाला है कि बिल्कुल कुछ भी, जैसे अभी शॉप वॉप खुले थे, अब कल से कुछ भी नहीं खुलेगा ऐसे अभी बताया। तो आज हमने भी सब सामान वामान लिया और ये बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें जैसे जैसे पानी लगता है वैसे वैसे धीरे धीरे डालिए, क्योंकि गीला भी नहीं होना चाहिए और एकदम ही। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा मतलब थोड़ा तीखा भी अच्छा होना चाहिए। और ये बन के रेडी हो गया है। और ये मैं है ना डिब्बे में निकाल के रख रही हूँ। इसमें क्या है, इसके बाद मुझे ऊपर ही के लिए गुलगुले बनाने थे, और वो मैंने पहले मिक्सी में शक्कर मिक्सी में पीस ली थी, और उसमें थोड़ा सा रवा ऐड किया था और थोड़ा आटा, वो डाल के मैंने घोल बना के रख दिया है। अब मैं उसको है ना ये कर दूँगी। और ये देखिए, ये इधर खा रहे हो, उधर मैं गुलगुले निकाल रही हूँ, क्योंकि वो परी को चाहिए था और बहुत अच्छे वो भी बने थे और मस्त क्रंची क्रंची बने थे। तो मैं बोली कि गरम गरम अच्छा लगता है, तो इसलिए ये लोग खा रहे थे। और सबके यहाँ बन रहा है कुछ ना कुछ, मैं देखती हूँ तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ बन रहा है, अच्छा है और चल रहा है कैसे भी। अब तो बहुत ये दिन आ रहे कि बचा बचा के चलना पड़ रहा है गाइज, और आज तो बिल्कुल ही डर से लगने लगा है। ये देखिए, और ये दे रहे। और फिर हमारा ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये आलू जो किस रही हूँ ना, ये मैं फेस पैक के लिए बना रही हूँ, और मैं अभी फेस पैक लगाने वाली थी। ये जो फेस पैक बना रही हूँ, ये आलू और आलू का रस और नींबू का रस और बेसन मिला के, कल मैंने कॉफ़ी का बनाया था लेकिन मैंने नहीं डाला कॉफ़ी। ये इसमें ये क्या है, आलू मतलब चेहरे को फेयर करता है, ब्लीच करता है, नेचुरल ब्लीच, और बहुत अच्छा ये जो दाग झाइया जो होते हैं ना बिल्कुल निकल जाते हैं, बहुत अच्छा ये है गाइस। ये मैं हमेशा लगाती हुई है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ, तो मैं इसलिए ये निकाल रही। मैंने छोटे छोटे दो आलू लिए हैं, अब इसका मैं रस निकालूंगी। इसमें बिल्कुल ज़्यादा रस नहीं निकला पता नहीं क्यों, तो लेकिन ओके, अब मैं निकाल रही हूँ रस। और रस निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करूँगी। ये देखिए, और जितना मुझे चाहिए था उतना तो निकल गया था, आलू छोटे छोटे थे मेरे वाले। अरे जो बचा है ना वो भी आप स्क्रब का काम कर सकता है, फेंकना नहीं चाहिए, ये भी हाथ पैर को स्क्रब, और ये बिल्कुल वाइटनिंग कर देता है और जो झाइया दाग धब्बे है ना वो बिल्कुल निकाल देता है। तो ये मैंने अभी लगा रही हूँ, और ये देखिए इतना रस निकाला था। और इसके बाद मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद बेसन ऐड करूँगी, और ये मैं पैक बना के 10 मिनट के लिए लगाऊंगी। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा नींबू जो कल मैंने आधा यूज़ किया था आज आधा यूज़ कर रही हूँ, और इसका भी रस निकाल लूँगी। रस सूख भला ही गए थे नींबू, लेकिन है ना रस बहुत अच्छा था। और इसमें अब बेसन, ये देखिए बेसन मैंने हाथ में ले आई थी और वो मिला रही हूँ, हाथ से कर रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे नींबू का रस कम लगा, क्योंकि बेसन मेरा ज़्यादा हो गया था, इसमें बेसन कम ही मिला हो तो सही रहता है। ये देखिए, और अभी मैं है ना और देख रही हूँ कि कहीं निकल नहीं रहा है करके, और इसका मैं पैक ये, और ये पैक है ना 10 मिनट के लिए लगा दी। ये बिल्कुल टाइट स्किन टाइट करता है, दाग धब्बे जो भी है ना वो पूरा हटा देता है। तो ये मैं लगा के 10 मिनट रुक रही हूँ, उसके बाद मैं धोने के बाद आपको इसका रिजल्ट बताऊँगी। और मैं डेली कर रही हूँ ये, कल मैंने कॉफ़ी का फेशियल किया था इसमें, मतलब कॉफ़ी ऐड की थी, और आज मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए परी कहाँ, मैं इधर लगा रही थी और परी वही कमरे में, वो बोर हो रही थी तो कॉफ़ी निकाल रही कि मैं। अब मैंने वो जो पैक लगाया था, अब मैं 10 मिनट लगा के अभी मैंने धो लिया है। देखिए कितनी स्किन मेरी आई है,
कितने सॉफ्ट आई है, देखिए आप ही देखिए। और ये 10 दिन मैं अभी मतलब लगातार लगा रही, क्योंकि मेरे थोड़े झाइया टाइप की दिख रही थी, तो मैं देखिए बहुत कम नज़र आ रही है। और गाइस बहुत अच्छा पैक है ये, और मैं हो गए 10 दिन हो गए लगा रही हूँ। कल मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड की थी, वो मैंने नहीं दिखा सकी, मैं दिखाऊंगी कॉफ़ी का भी दिखाऊंगी। मैंने कॉफ़ी का भी किया था फेसियल, और बहुत अच्छा ग्लो आता है। ये तो मैंने सिर्फ पैक लगाया था, ये आलू का पैक है, आलू का रस निकाल के नींबू उबू, और बहुत अच्छा ग्लो देता है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है, देखिए। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहा के तैयार हो गई हूँ, और तैयार होके देखिए डिंकी को क्या हो गया है, वो मुँह बांध के, एक्चुअली उसके मुँह को है ना एक फुंसी आ गई और वो बड़ी हो गई, तो उसकी तबीयत आज, ये देखिए मैं बोलती मत बताओ, और बहुत मतलब दर्द कर रही है उसकी, तो इसलिए मैं कल व्लॉग नहीं डाल सके। वो देखिए और बहुत दर्द हो रहा है, पता है यहाँ पे बोलते कि बुखार निकल आया है ऐसा कुछ, और 2 दिन से ऐसे सुस्त जा रहा है, आज वो थोड़ा पक गया था तो मैंने उसका पल्स निकाल दिया उसको, और अभी मैं खाना खाऊंगी, अभी बच चुके हैं 2:15, इतना टाइम हो रहा है गाइस घर में रह के। और ये देखिए और परी बैठी है, आपको दिखाती हूँ, परी बैठी है पलंग से, टीवी चालू है हमारे यहाँ, टीवी तो चौबीस घंटे चालू रहती है, और पंखा चल रहा है अब गर्मी के लिए आ रहे हैं, अभी कूलर निकालने की ज़रूरत नहीं, उतनी गर्मी नहीं हो रही है हमको। और अभी बात कर रहे हैं आपसे, और नहा के अभी कैसे लगे, देखिए मेरा फेस कितना, वो जो मैं आलू का जो पैक लगा रही हूँ ना उससे बहुत अच्छा क्लीन आ रहा है, आप भी यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा है। ये जो मेरे यहाँ पे थोड़े और यहाँ पे थोड़े, ये जब से वो प्रेगनेंसी के बाद होते हैं बोलते, तो हो रहे, मैं कितना भी कोशिश कर रही थी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है। मैं कितनी फेशियल वगैरह कर चुकी हूँ, D10 का फेशियल भी खुद मैं पार्लर वाली हूँ, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मैं आलू लगाना चालू कर रही तो हो रहा है और अच्छा लग रहा है। और अब हम खाने में बनाए हैं मूँग की दाल, खोल के दिखाऊँ मूँग की दाल, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मूँग की दाल है, वो जो प्लेट में दिख रहे हैं गुलगुले, और जो रोटी खुली दिख रही है वो रोटी रात की है, वो गर्म करके खाते हैं, और वो चावल है डिब्बे में जो, और वो रोटी है, और ये प्लेट लगा रहे हैं, ये देखिए, ये अभी मैं प्लेट लगाऊंगी, और फिर आइए आप भी मज़ा ले लीजिए खाने के साथ। आज हमने सिंपल सी मूँग की दाल बनाई है, और आप की मिलती हूँ खाने के बाद। तो अभी मैंने खाना खा लिया है और बैठी हूँ, मेरा तो जल्दी हो जाता है, मूँग की दाल अच्छी ठंडी थी, अब गर्मी में मूँग की दाल खाने जरूर रहती है, और शरीर के लिए ठंडक भी देती है और अच्छी भी रहती है। और अभी बैठी हूँ, और आप सब कैसे हैं, कैसे चल रहा है दिन, मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, अब सब ख़त्म होने वाला है, अब आ गए दाल पे, सब्जी वब्जी तो सब मिल ही नहीं रही बिल्कुल, आलू आए थे आज तो आलू भी बहुत महंगे मिल रहे थे, तो हमने फिर भी ले ली क्योंकि आलू ज़रूरत है, पोहा मोहा जो बनाते हैं उसमें, आज हमने उपमा बनाया था नाश्ते में, आपको अब दिखा मतलब डाला ही है मैंने इसमें। और ये देखिए डिंकी का है ना बहुत दुख रहा है गाइस, यहाँ पे हुई है उसको फुंसी, पता नहीं क्या हो गया, बुखार आता है बोलते ऐसे, उसको हमेशा होता रहता है, गर्मी आई कि बस उसको क्या है, बचपन से बहुत मेरी दोनों ही लड़की इतनी क्रिटिकल हुई ना मेरी की क्या बताए, ज़िंदगी हम तीनों माँ बेटे को मतलब भगवान ने डबल ही ज़िंदगी दे दी उसकी भी, और परी का तो बिल्कुल आप छोड़ो ही मत, परी की इतनी कहानी ये है कि भगवान ने उसको दूसरा जन्म दे दिया, इसके लिए ना परी को कुछ भी हो जाए ना हमारा दिल जल्दी से धर ये हो जाता है। 1 महीना वो मेरे से दूर रही, जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के दिन से तो 12 दिन वो मेरे से दूर रही, और बिल्कुल ना दिख रही, वो दूसरा हॉस्पिटल में, मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी गाइस, बहुत इसलिए है ना हम अपने बच्चों को बहुत केयर करते हैं, और थोड़ा सा कुछ हो जाए ना तो बहुत, ये जो आवाज़ आ रही है टीवी देख रहे हैं और वो कॉमेडी शो देख रहे कपिल शर्मा हमारे यहाँ, बस ये चलते ज़्यादा हम सीरियल वीरियल नहीं देखते हैं, वही कॉमेडी शो रियलिटी शो जो है वही देखते हैं, तो इसलिए उनके पापा की तो जान है परी, बहुत उसको हम मतलब कुछ भी हो जाए तो ऐसे करते हैं कि क्या एकदम डर जाते हैं, तो इसलिए है ना हम उसको बहुत प्यार से रखते हैं, उसको कुछ भी हो जाए तो डर लगता है, और ये भी बहुत डरते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। डिंकी की भी ऐसी हालत हो गई थी, डिंकी भी हमारी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बच्चे की कितने बच्चे की परी भी, और मेरा भी ऐसा दूसरा जन्म हो गया गाइस,
बहुत हम तो नसीब वाले हैं कि बच गए इतने इस क्रिटिकल में, तो ऐसा ही चलता है। इसलिए ना ऊपर ही को दिख पता नहीं ऐसे क्या हो गया, तो गर्मी कितनी हो रही है कमरे में, बहुत कम गर्मी। वैसे यहाँ तो झाड़ियाँ है ना पूरा, तो बिल्कुल कूलर की ज़रूरत नहीं, बहुत ठंड लग रहा है। और ये रगड़ा बहुत बोर लगने लगा है यार गाइस। अभी तो हमारे यहाँ पार्लर, अब ऐसा लगता है पार्लर के जो मैंने पैसे कमाए थे वो भी ख़त्म हो रहे, इनकी पेमेंट भी नहीं आई है, अब कैसे चले। अब लगता है कि खुल जा लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। आज रात को क्या लाइट बंद करोगे आप लोग? 9 बजे लाइट बंद करना है, और भारत माता को ये करना है, सब लोग करना, और जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है उनका आगे का पालन करना गाइस, मैं भी करूँगी। ठीक है, फिर इधर लंच के बाद ये जो हम खेल रहे हैं आपको दिख रहा है, ये चंगा खेल रहे हैं, और ये जो नई वो इमली के बीजे थे उसको तोड़ के हम खेल रहे थे। और ये बहुत ये डिंकी परी को पहले मजा मतलब कभी खेला नहीं इन लोगों ने, तो ये इनको नया सा गेम लगा, तो बोल रहे थे कैसे खेलते हैं, तो ये डिंकी को हम इन दोनों को सिखा रहे थे अच्छे से, और बहुत मज़ा आ रही थी गाइस। और हर हाल में बहुत हम दिन भर यही खेले, और बहुत सबके घर खेल रहे हमारे यहाँ। ये मैंने उनको बताया कि हम बचपन में ऐसे खेलते थे, तो उनको बिल्कुल आ नहीं रहा था, वो छोटे बच्चों जैसे ही खेल रहे थे, और बहुत मज़ा आ रही थी, और सब क्या खेल ही रहे, अब क्या करें, खेलना तो है ही। और ये जो मेरी डिंकी बांध के रखी है ना, उसको बहुत बड़ा यहाँ पे फोड़ा आ गया, इसलिए वो बांध के रखी है, उसकी तबीयत नहीं है थी सही। और लड़कियाँ तो बिल्कुल हमारे लिए हमारी जान है, ये देखिए बहुत मज़ा कर रहे हैं, और उनको बहुत मज़ा आ रही थी खेलने में, देखिए और बहुत प्यार से खेल रहे थे, और बोल रहे थे कैसे खेलते हैं। और जो बोल रहे थे पत्थर वाला भी एक रहता है वो भी सिखाओ मम्मी, उन्होंने देख लिया फेसबुक पे, तो बोल रही थी मम्मी वैसा भी सीखना है, और उसके पापा भी बहुत और देखिए फिर ये सब सिखा उसके पापा सिखा रहे थे। और फिर उसके बाद ये दोनों खेलने लगी, ये दोनों ही हमने उनको बताया कि तुम लोग ही खेलो, फिर ये दोनों बहने के और सबके यहाँ तो चल ही रहा कुछ ना कुछ खेल। और अभी बहुत ये मतलब डर भी इतना लग रहा है कि क्या बताएं गाइस। अभी शाम का समय था ये, और उसके पापा बता रहे कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो, तो वो दोनों बहनें खेल रही थी, उनको बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत इंटरेस्ट लेके खेल रही थी। अच्छा है मोबाइल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बात हेलो एवरीवन, अब हो गया शाम का समय हो गया है, थोड़ी सी बाहर घूम रही हुई देखिए, और इधर आज बहुत से लोग सामने निकले हैं, इधर भी निकले हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ पे पास शॉप है ना, शॉप पे जाते रहते, और इधर भी थोड़े खेल रहे हैं, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मैं अंदर ही अंदर हूँ, तो सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सब खेल रहे हैं, इधर भी सब खेल रहे हैं। और कब तक घर में रहेंगे यार, शाम के बाद थोड़े से बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो सब खेल रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ उनको। और हमारी लड़कियाँ खेल रहे चंगा स्टाक क्या बोलते हैं वो खेल रहे हैं, वो लोग नहीं निकलते बाहर, वो डिंक की तबीयत नहीं थी तो इसलिए वो नहीं निकल रही है। और फिर इधर खेल रहे सब लोग, कैसे दिखाऊँ यार आपको, मैं दिखा देती हूँ, देखिए थोड़े अपने 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 इसमें ये सब निकल गए हैं, इधर सब बैडमिंटन वगैरह सब खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, देखिए सब लोग खेल रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो निकलती नहीं है। ये पीछे का है, वो जो अभी दिखा है वो आगे का था, और ये सब पीछे का है, इधर भी ये इमली का पेड़ देखिए कितना बड़ा है, ये बाउंड देखिए बाहर है, बहुत इमली लगती है गाइस, और इतनी मीठी इमली है, बहुत इमली है। और ये बेर का पेड़ है, और इधर भी बच्चे घूम रहे, पीछे भी बहुत बड़ा ग्राउंड है देखिए, सब घूम रहे हैं, इधर थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं, काफ़ी कुछ नहीं, शाम के वक्त सब निकलते हैं, और फिर गाड़ी वाले जा रहे हैं इधर भी, और इधर भी ग्राउंड में देखिए आपको दिख रहा होगा मच्छर काट रहे यार, इधर भी दिख रहा होगा ना सब, ये देखिए खेल रहे हैं, और इतना हमारे इधर का भी व्यू कितना प्यारा लगता है। और ये मैं बेर के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, और ये इमली का पेड़ है, इतनी मीठी इमली है, और ये सब क्वार्टर है, बाकी इधर भी सब भरे हुए क्वार्टर है, और इधर है ना सब
ये, और मैंने पीछे भी एक छोटा सा बोर्ड लगा के रखा है ताकि मतलब पीछे के लोगों को दिख जाए। तो ये पीछे का बोर्ड है, बड़ा बोर्ड आगे है हमारा। और ये दिखाना था मुझे आपको, तो देखिए कैसे खेल रहे हैं सब लोग, सब ग्राउंड पे खेल रहे हैं। देखिए अब कब तक यार लोग रहेंगे, तो सब अपने अपने घरों में निकल रहे हैं थोड़ी देर के। छोटे छोटे इधर है ना, सबके छोटे छोटे बच्चे ये चल के ये है, तो वो बच्चे शाम के वक्त ये लोग घूमने निकलते हैं इधर के। और डिंकी परी चेस खेल रही, उनको बोली शायद कहाँ से गाड़ी की आवाज़ आ रही। बहुत पालन हो रहा है हमारे इधर, आई थिंक मतलब पूरे लोग है ना, मतलब इतना शांति का माहौल है यहाँ, सब सुशिक्षित है सब, ये है ना एम्प्लॉय है सब इधर से, तो सब ये पालन कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे नहीं रह सकते तो वो थोड़े से शाम को इधर घुमाने के लिए ले जाते हैं। और इधर शॉप है तो शॉप एक घंटे के लिए शॉप खुलती है तो जाते हैं। तो ये हमारा पीछे का है, आपको यही दिखाना था मुझे। तो रात होती है तो अच्छे से दिखते ना, और यहाँ से जस्ट अंदर दिख रहा होगा आपको वो मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और ये अंदर का मतलब मैं बाउंड्री के बाहर पीछे आ गई, और वो बीच वाला कमरा वो जो बैठे हैं दिख रहा है आपको वहाँ पे, और ये हमारे नल वल सब ये होता है। तो खेल रहे हैं यहाँ पे सब, तो मैं दिखा रही आज, और आज यही दिखाना था। चलो मिलती हूँ बाद में। फिर 6:30 बजे का समय है, तो ये हम लोग बैठे थे तो अचानक हमारी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि कल पूरा लॉकडाउन, पूरा मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ मिल्क जो है वही मिलने वाला है, बाकी सब बंद होने वाला। तो ये गए एकदम से, और फिर और पैसा मतलब सब सामान भी तो ख़त्म होने वाला था, तो ये सब ले आए। और ये जो सामान दिखा रही है बिस्किट वगैरह बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें, ये ले आए, क्योंकि पूरा कल से बिल्कुल ही पूरे शॉप और बैंक वगैरह सब एटीएम वगैरह सब बंद होने वाले, लॉकडाउन करने वाले, कर्फ्यू लगने वाला है जैसे भोपाल में हमारे, तो इसलिए हम घबरा गए। और ये जल्दी जल्दी गए और जो जो मतलब ज़रूरत की सामान है वो ले आए, बहुत डर। और पैसे भी नहीं, अभी सब पैसे भी खत्म, बहुत बचा के चल रहे गाइज, हमको मालूम है कि। और मेरा पार्लर के जो बचे थे वही चल रहे, उनका पेमेंट भी अभी आया नहीं है। और ये देखिए नमक लाई हूँ, ये जो बॉनिटा बच्चों के परी के लिए, और ये तुअर दाल, दाल चावल के बिना तो बच्चों का जमता नहीं, और ये चना दाल, और ये पोहा तो हमारा डेली कभी बनता है, और चाय पत्ती शक्कर, और ये दो पॉकेट पैकेट लाए और ये टोस्ट लाए हैं, और तेल के दो पैकेट लाए हैं। और ये परी दिखा निकाल निकाल के दे रही थी। और ये चाय पत्ती का हम मतलब ऐसे तो हम रेड लेबल पीते हैं, लेकिन अब क्या करें, टाइम टाटा ले आए। और ये हम ये रिन साबुन यूज़ नहीं करते, लेकिन ये रिन ले आए हैं, और सर्फ एक्सल यूज़ करते हैं, और सर्फ एक्सल पाउडर ले आए, और जो जो ज़रूरत है वो सब ले आए जल्दी जल्दी में गए। और ये बिस्किट पैकेट बच्चों के छोटे छोटे मिले वो ले आए, और ये शैम्पू हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बच्चों के लिए सनसिल्क ले आए, ये क्लिनिक प्लस यूज़ करते हैं। तो इतना सामान जल्दी जल्दी गए और ले आए, और चावल वगैरह सब ले आए, और सब्जी, और ये दाल थी, ये शायद चना दाल है, तो इतना सामान, और ये दाने हैं पुआ में डालने के लिए, और ये चने वगैरह सब ले आए, जितना ज़रूरत है उतना ले आए। और सब अब क्या है, जब अभी ख़त्म हो गया जितना चल रहा था उतना, तो अभी मतलब कुछ भी नहीं था घर में, तो गए और बोल रहे थे कि कल घर के बाहर भी नहीं निकालना है, ऐसे एकदम से हमको मैसेज मिला तो ये हम डर गए, और फिर एकदम से गए और ले आए। तो मैं ये बता रही कि सबके यहाँ जो भी जितने भी भोपाल वाले हैं सब यही कर रहे हैं, सब डर सब गए होंगे कल, क्योंकि कल से बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकालना है, और पता नहीं अब कितने दिन तक चलेगा गाइज, और क्या बताएं। और फिर ये सब होने के बाद ये 8:30 बजे मैं रोटी बना रही हूँ बैठ के, और बैठने में इतना मज़ा आ रहा है खाना बनाने में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पिकनिक में गई हूँ, उन्हें बैठ के सब मिलके करते हैं, वैसे मैं भी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ सबके यहाँ। और इसके बाद 9 बजने वाले थे, और 9 बजने मतलब सब अपने अपने घर में दिए लगा के टॉर्च ऑन करने वाले थे, तो मैं भी बोली कि चलो जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ, और 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी ताकि मैं यहाँ से उठूँ और बाहर जाऊँ दिए लगा मतलब ये टॉर्च लेकर मोबाइल का, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी। और फिर 9 बजे जस्ट करेक्ट 9 बजे सबने देखो अपने अपने घर में दिए जलाए हैं और टॉर्च ऑन करके अपनी गैलरी में खड़े हैं, और हम भी अपने गैलरी में खड़े थे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, बाय बाय।